Students, welcome again. Today we are going to discuss a very important and interesting chapter, that is decimal. It is not only a chapter, but it is a very helpful concept in our daily life. जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट खरीदते हो, बिस्किट, चॉकलेट, तो कभी कभी क्या होता है, उस पर जो प्राइस लिखी होती है ना, वो कुछ रुपीज एंड डॉट के बाद कुछ और नंबर लिखा हुआ होता है. उसका मीनिंग क्या है, इस तरीके से जो भी रिलेटेड कोई मेडिसिन की प्राइस है उस पर भी इस तरीके की प्रिंटिंग होती है, तो उसका मीनिंग क्या है. टुडे वी आर ट्राइंग टू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वो डेसिमल का जो मीनिंग है वो क्या होता है. हम लोग आज डिस्कस करने वाले डेसिमल. डेसिमल में भी हम लोगों ने जैसे फ्रैक्शन में देखा ना कि हम लोग क्या कर रहे थे कि कुछ होल और कुछ पार्ट्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे भी डेसिमल में भी हम लोग पार्ट्स के बारे में ही स्टडी करते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट नहीं है या फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कंप्लीट है और कुछ ऑब्जेक्ट के पार्ट्स को कंसीडर किया गया है. तो हाउ कैन वी राइट दिस इन अ सिंगल नंबर फॉर्म, उसे एक नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. फ्रैक्शन में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया कि कैसे हम लोग लिखते हैं. जैसे आपने यदि सिंपली का 1/5 मीन्स क्या, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसे 5 पार्ट में डिवाइड किया गया और उसके एक पार्ट को आपने कंसीडर किया है, लिया है. 2 होल 3/5 आपने लिखा, मीन्स 2 तो कंप्लीट होल है और कोई जो थर्ड ऑब्जेक्ट था उसे आपने 5 पार्ट में डिवाइड करके 3 पार्ट आपने लिया है. तो ये फ्रैक्शन का कंसेप्ट था. ये डेसिमल वाले में भी कुछ ऐसा ही होता है, फ्रैक्शन वाले फॉर्म का ही, बट इसमें जो डिनोमिनेटर होता है ना, वी ऑलवेज टेक डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 10^10। 10 के पावर के फॉर्म में हम लोग हमेशा डिनोमिनेटर लेते हैं. जैसे यदि आप मान लें कोई एक ऑब्जेक्ट है x, इसे आपने 10 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये जो इस तरीके का फ्रैक्शन बनता है ना, इस तरीके के फ्रैक्शन को बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन. और फिर इसे एक अनदर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके लिखते हैं और वो फॉर्म कहलाता है डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस. इसी तरीके से यदि आप मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है y है कोई एक नंबर, उसे आपने 100 पार्ट में डिवाइड किया, फिर कोई एक है z, उसे आपने 1000 पार्ट में डिवाइड किया, और इसी तरीके से आप जब भी डिनोमिनेटर आप लेते हैं ना, तो वो 10 के पावर के फॉर्म में होता है. इस तरीके से नंबर को फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है यही कहलाता है डेसिमल. बट उस डेसिमल का ये फ्रैक्शनल फॉर्म है. अब इसे हम लोग सीखेंगे कि हम लोग इस फ्रैक्शनल फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं. उसके लिए आप सिंपल सा एक कंसेप्ट समझो. जैसे हम यहाँ पे यदि आप कंसीडर करो, तो एक हम मान लेते कि यहाँ पे एक बॉक्स है, बिस्किट का एक बॉक्स है, इसके अंदर ढेर सारे पैकेट्स, इसके अंदर ढेर सारे बिस्किट के पैकेट्स रखे हुए हैं. अब इसको आपने क्या किया है ना, इसे आपने 100 पार्ट में, मैं इस बॉक्स की बात कर रहा हूँ, इस बॉक्स की, ये यदि मैं इसकी बात करूँ तो ये एक सिंगल बॉक्स है, एक बॉक्स है. अब मैं इसे चाहता हूँ कि 100 पार्ट्स में मैं इसे डिवाइड करना चाहता हूँ, 100 पार्ट्स में मैं इसे डिवाइड करना चाहता हूँ. तो ये बॉक्स कितना था, बॉक्स की यदि आप बात करो तो बॉक्स कितना था 1, और इसे आपने डिवाइड किया कितने पार्ट में, 100 पार्ट में. तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/100 पार्ट ऑफ बॉक्स. बॉक्स के 100 पार्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है. ये कितना कहलाएगा, 1/100 ऑफ बॉक्स, ये बॉक्स की बात कर रहा है. इसमें यदि आप बिस्किट की बात करो तो 1/100, इसमें 100 बिस्किट थे, आपने इस पैकेट को, इस बॉक्स को 100 पार्ट में डिवाइड किया, मींस 1/100 ऑफ बॉक्स इक्वल कितना, आप एक बिस्किट की बात कर रहे हो, एक पैकेट की बात कर रहे हो. ये 100 पैकेट्स ऑफ बिस्किट थे, तो आप एक पैकेट बिस्किट की बात कर रहे हो क्योंकि एक बॉक्स में 100 थे. तो इस तरीके से आप इसे यदि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो आप बोलेंगे 1/100 बॉक्स, या बिस्किट की बात करेंगे तो 1 पैकेट बोलेंगे आप, इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये फ्रैक्शन वाला हुआ. फिर इसे आप यदि रिप्रेजेंट करना चाहें बॉक्स के फॉर्म में, तो आप क्या लिख सकते हैं, ऊपर में देखेंगे आपने कितना पार्ट लिया है 1, और नीचे में आप देखेंगे कि ये 0 कितना है 2. तो आपको इस नंबर से लेफ्ट साइड में 2 प्लेस पे डेसिमल पुट करना होता है. 20 मीन्स 2 प्लेस के बाद डेसिमल पुट करना है. 1 हमने यहाँ पे लिखा
और एक जीरो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये वन प्लेस टू प्लेस के बाद हमने यहाँ पे डेसिमल पुट कर दिया, और डेसिमल के आगे एक जीरो पुट कर देते हैं यदि कोई नंबर नहीं होता है तो। तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इतने बॉक्स को, रिप्रेजेंट कर रहा है इतने बॉक्स को, क्योंकि अपने बॉक्स को 100 पार्ट में डिवाइड किया, हमने इसे 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया और उसे जब डेसिमल के फॉर्म में हमने चेंज किया तो वो इस तरीके से डेसिमल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि आप इसमें कंसीडर करते हो 23 आप पार्ट्स लेते हो 100 पार्ट्स में से डिवाइड करने के बाद, मींस आपने कितने बिस्किट्स पैकेट लिए हैं, 23 पैकेट लिए हैं। यदि आप इसे डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहो तो कितने जीरो हैं, 2 जीरो। तो यू हैव टू पुट द डेसिमल पॉइंट एट द राइट साइड ऑफ टू नंबर्स। तो टू नंबर्स कितना, पहला क्या है 3 एंड 2, इसके बाद आप डेसिमल पुट कर दोगे। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितने, 0.23 बिस्किट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.23 पैकेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2.23 बॉक्स, 0.23 बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यदि आप बिस्किट की बात करो तो वो पैकेट की बात करो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.23 बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस कंप्लीट बॉक्स को। लेकिन यदि आप पैकेट की बात करो बिस्किट की, तो वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 23 पैकेट्स। ये है, ये हमने एक ये रिप्रेजेंट करने का है कि कैसे एक फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं अनदर एग्जांपल रुपी की देखते हैं। एक रुपी क्वाइन में आपको पता है हाउ मैनी पैसेज आर इन अ क्वाइन। तो एक रुपी के क्वाइन में आपको पता है 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे, 100 पैसे। यदि इसे आप सिंपल फॉर्म में, रुपी के फॉर्म में लिखना चाहो तो एक रुपी है, उसे आपने 100 पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है, और उसमें से आपने 29 पैसे ले लिए। तो ये क्या कर रहा होगा, 1 रुपी था, 100 पार्ट में आपने डिवाइड किया है और एक पार्ट लिया है, तो ये जो शो कर रहा होगा ये इतने रुपी को शो कर रहा होगा, 29/100 रुपी। बट यदि आप इसे पैसे की बात करो तो ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 29 पैसे। तो इस रुपी को रिप्रेजेंट करने का, यदि आप यहाँ पे हमने इसे फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है, फिर यदि इसे आप डेसिमल के फॉर्म में लिखना चाहो तो कितने जीरो आपको दिख रहे हैं, 2 जीरो दिख रहे हैं। तो आपको डेसिमल पुट करना होगा आफ्टर द 2 डिजिट फ्रॉम द राइट साइड, राइट साइड के राइट साइड टू लेफ्ट साइड जब हम लोग बढ़ेंगे तो 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल, ये फर्स्ट डिजिट देन ये सेकेंड डिजिट। अब आप यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे और यहाँ पे जीरो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे आप बोल सकते हो 29/100 रुपी या 0.20 रुपी, बोथ आर, ये एक ही पार्ट को शो कर रहा है रुपी के फॉर्म को। लेकिन यदि आप पैसे के फॉर्म में चेंज करना लिखना चाहें उसे, तो आप सिंपल लिख सकते हैं 29 पैसे। ये फ्रैक्शन का डेसिमल का कंसेप्ट था, जो फ्रैक्शन से डेसिमल में हम लोग कैसे दोनों के बीच में रिलेशन वो समझ रहे थे। नेक्स्ट यदि मैं समझाऊं, एक आप ऐसे समझ लो कि कोई एक पीस है, पीस ऑफ आप बटर समझ लो कि ये पीस ऑफ बटर है या पनीर है, कुछ भी, आपने इसे क्या किया ना, 100 पार्ट में आपने इसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये कितना था, एक पीस था, ये भी कितना, एक पीस, और ये भी एक पीस, इसे आपने क्या किया 100 पार्ट में डिवाइड किया, और इसे भी आपने 100 पार्ट में, और इसे भी आपने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब आप जब लेते हो तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपने ले लिया, मीन्स कितना, एक ले लिया आपने, फिर ये भी पूरा का पूरा पार्ट ले लिया आपने, कितना ले लिया, एक और वन ले लिया। इसके बाद जो आपने ये लिया है ना, इसमें इसमें सिर्फ कितने पार्ट्स आपने लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आपने यहाँ पे सिर्फ 8 पार्ट लिए हैं, कितने से, 100 से आपने 1 पार्ट सिर्फ लिया। तो ये 1+1, 2, और इसे हम डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेसिमल के फॉर्म में ये 2 जीरो, तो आपको राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर बढ़ते हुए 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना है। देन यू है, देन यू राइट 8, आफ्टर दैट पुट 1 जीरो, एंड देन डेसिमल प्लेस, डेसिमल पॉइंट, एंड देन आफ्टर 1 मोर 0। ये हो चुका है। अब इसे कंबाइंड फॉर्म में आप लिखेंगे तो यहाँ पे होल वाले नंबर के जगह पे कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि तो ये तो कंप्लीट था नहीं, लेकिन ये दोनों आपने कंप्लीट लिया और दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो 2.08 ये शो कर रहा है कि ये जो टोटल बना है ना पनीर के पीसेज वो कितना बना है, 2.08। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, होल पार्ट, होल पार्ट
ऑफ डेसिमल। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डेसिमल पार्ट। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के उसके होल पार्ट को और उसके डेसिमल पार्ट को कैसे उसके पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल के फॉर्म में। इसके बाद के जो इससे रिलेटेड टॉपिक हैं लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल और उसके उससे रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और जितने भी प्रॉपर्टी हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।